Hello, students. Welcome to Subhas Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Today, I will start your chapter number 90 Rights and Duties. Okay, Rights and Duties Adhikar or Kartavya. Okay, let's start. It is important that all people living in a society should understand their rights and follow their duties properly. यह महत्वपूर्ण है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए Only then आर society can function in a proper and peaceful manner. तभी एक समाज उचित और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर सकता है द कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस संविधान आफ्टर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट वॉज टू इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ रूल्स डैट वुड गाइड देम एंड एंड द फ्यूचर गवर्नमेंट्स ऑन हाउ टू गवर्न द कंट्री भारत को स्वतंत्रता स्वतंत्रता मिलने के बाद नवगठित सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियमों का एक सेट पेश करना था जो उन्हें और भविष्य की सरकारों को देश पर शासन करने के लिए मार्गदर्शन करेगा द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आ गवर्नमेंट गवर्न्स आ कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन देश पर शासन करने वाली सरकार के अनुसार नियमों का समूह संविधान के रूप में जाना जाता है ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बींग दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को हमारा संविधान लागू हुआ इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय संविधान एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है लिखित दस्तावेज है ओके द प्रिम्बल द प्रिम्बल द प्रिम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन बींग इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन डैट स्पेसिफाइज इट्स बेसिक आइडल इट इज कॉल्ड द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल का मतलब है कि हमारा संविधान ठीक है ओके okay? मतलब कि सॉरी प्रिम्बल का मतलब है प्रस्तावना भूमिका या आरंभ करना या शुरू करना ओके संविधान की शुरुआत उस आदर्श से होती है जो इसके मूल आदर्शों को निश्चित निर्दि, निर्दि निर्दिष्ट करता है इसे संविधान सन, की प्रस्तावना कहा जाता है द प्रिम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी आ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स इन हायर क्लासेस भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज घोषित करती है हम हायर क्लासेस में इन शब्दों का अर्थ समझेंगे ओके फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट का मतलब है हमारा मौलिक अधिकार द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स सिटीजें सम फंडामेंटल राइट्स भारत का संविधान अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है नो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल कैन डिनाई दीज राइट्स टू द पीपल कोई भी सरकार या व्यक्ति इन अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है इफ़ एनी राइट इज denied, द पर्सन कैन अपील इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है यदि किसी भी अधिकार से वंचित किया जाता है तो व्यक्ति कानून की अदालत में अपील कर सकता है द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है आपके राइट टू इक्वेलिटी राइट टू इक्वेलिटी मतलब समानता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली मूवमेंट रेसिडेंस प्रोफेशन एंड प्रोफेशन एक्सेट्रा स्वतंत्रता का अधिकार जैसे आपकी स्पीच है असेंबली है मूवमेंट है रेसिडेंस है या प्रोफेशन है आप उसको स्वतंत्र रूप से आप उसको बोल सकते हो कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि आपका है शोषण के खिलाफ अधिकार फ्रीड फाइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार राइट टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ संवैधानिक उपचार का अधिकार फ्रॉम अप्रैल टू थाउजेंड टेन ऑनवर्ड्स राइट टू एजुकेशन विच मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन सिक्स एंड फोर्टी ईयर्स ऑफ एज हैज़ ऑल्सो बिकम अ फंडामेंटल राइट अप्रैल दो हज़ार छः शिक्षा का अधिकार जिसका अर्थ है कि छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार बन गया हावेयर हाउ एवर देयर आर सर्टेन टाइम्स वेन दीज राइट में बी सस्पेंडेड फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी हालांकि कुछ ऐसे समय होते हैं जब ये अधिकार निलंबित हो सकते हैं उदाहरण के लिए है राष्ट्रीय आपातकाल के समय नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है अभी हम लोग ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य along with the fundamental rights citizens of the country have been asked to perform certain fundamental duties by the constitution मौलिक अधिकारों के साथ देश के नागरिकों को संविधान द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया कुछ हमारी ड्यूटीज हैं एवरी सिटीजंस ऑफ द कंट्री मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन देश के प्रत्येक नागरिकों को संविधान में दिए गए गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड हमें अपने देश को संयुक्त रखने में मदद करनी चाहिए वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री इन टाइम्स ऑफ डेंजर हमें अपने दे, हमें, हमें खतरे के समय में अपने देश की रक्षा करनी चाहिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट हमें अपने इन्वायरमेंट का केयर देखभाल करनी चाहिए वी मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी हमेशा हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए वी मस्ट ट्रीट इज द एवरी सिटीजेंस एज इक्वल हमें प्रत्येक नागरिक को समान मानना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट मीन्स राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल राजनीति के निर्देश सिद्धांत संविधान द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले गाइडलाइंस हैं जो लोगों के कल्याण के लिए हैं और कुछ हमारी गाइडलाइंस जो दी है वो नीचे है इस तरह से टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ अर्निंग लिवलीहुड हुड फॉर ऑल पीपल सभी लोगों के लिए रोज़ी रोटी कमाने का साधन प्रदान करना टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना टू ऑर्गेनाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस गाँव में स्थानीय स्व सरकार का आयोजन करना ओके okay? आपका चैप्टर नाइन्टी यहाँ पर फिनिश हो गया है आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू